द माइंड इज द रियलिटी, यू आर वॉट यू थिंक. तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात बोली गई है कि हम जो सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, या वैसे हम हैं जो हमारे दिमाग में चलता रहता है. कि कोई भी इंसान है उसका माइंड ही होता है जो कि उससे चीज़ें सब करवाता है, राइट. तो आप हमेशा कोशिश कीजिए अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की, मतलब नेगेटिव थॉट्स मत लेके आइए अपने माइंड में कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से. हमेशा मतलब अंदर से अपने पॉजिटिव वाइब्स लाने की कोशिश करिए या फिर अडॉप्ट कीजिए, राइट. कि अगर आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा, तो फॉरगेट अबाउट इट. मतलब ट्राई टू थिंक कि नहीं यार एग्ज़ाम क्रैक होगा, बिकॉज आप जो चीज़ सोचते हैं आपके माइंड में जो चीज़ होती है वैसे आप बनने लगते हैं. तो उसके पीछे क्या रहेगा, आप सोचते रहेंगे कि नहीं यार मैं एग्ज़ाम क्रैक करूंगा या करूंगी, तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करने लगेंगे. बिकॉज हमारा जो माइंड होता है वो हमारे बेसिकली जो डिज़ायर्स होती हैं उसको पाने के लिए मतलब इनपुट देने लगता है, चीज़ें करने लगता है, सिग्नल भेजने लगता है कि आपको अपने डिज़ायर को हासिल करना है, तो इसलिए पढ़ना शुरू करो, तो आपको एक्टिव करने लगता है. सो डोंट बिकम अ नेगेटिव थिंकर, ऑलवेज बिकम अ पॉजिटिव थिंकर. तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, राइट. सो बिकॉज हम वही हैं जो कि हम, जो हमारा माइंड सोचता है, जो कि हम सोचते हैं, राइट. तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें अच्छी सोचिए कि नहीं यार अच्छा निकलेगा, भले हो ना हो, कितनी बार आप पास में फेलियर्स आपने झेला होगा. बिकॉज देखिए फेलियर्स झेलेंगे तभी तो एक्सपीरियंस लेके सीखेंगे. फेलियर्स फेल होने वाला इंसान ही सीखता है, तो दैट इज 100% करेक्ट. बिकॉज अगर आप फेल होंगे तो आपको पता होगा कि आपकी गलती क्या है, नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को नहीं करेंगे, एंड देन फिर आप एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे. सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव कि कोई बात नहीं, अभी एक साल और है, आई कैन प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विंग्स. माई नेम इज़ कमलाक्ष झा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, एंड यू कैन ऑल्सो राइट मी एट kamlakshjha@gmail.com. तो दैट इज़ माई ईमेल अकाउंट, गॉट इट. सो टुडे इज़ 14th of June 2018, और हमेशा की तरह हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे. और जो न्यू विजिटर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग 100% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट ही न्यूज़ कवर करते हैं. उसके अलावा जो भी जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कोई रिलेवेंस नहीं होता उसका, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई रिलेवेंस नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कहीं पर किसी दो के बीच में फाइट हो गई, दो आदमी के बीच में फाइट हो गई और मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी की कैजुअलिटी हो गई, वहां पर तो ये सब चीजें मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो चीज हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं. हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई डिजास्टर हो गया, मेजर डिजास्टर, उसको हम लोग लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई नई स्कीम आई, कोई नई पॉलिसीज आई, तो ये सब चीज़ हम लोग लेते हैं जो कि 100% जो कि एग्जामिनेशन में आने की जिसकी संभावना होती है, राइट. सो आप जो भी नए विजिटर्स हैं हमारे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज इस चैनल में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें अभी आने वाली हैं. और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं रेगुलर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि वहाँ पर आप नीचे एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको प्लीज़ हिट कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है. देखिए नोटिफिकेशन बेल के बगल में एक ऐसा एरो अगर आ जाएगा ना, तब ये समझ लीजिए कि आपने प्रॉपरली उस नोटिफिकेशन बेल को हिट किया. नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप नोटिफिकेशन बेल को हिट तो करते हैं, बट आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है. उसकी वजह होती है कि आपने उसको प्रॉपरली मतलब उसमें दो तीन ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें आप उस ऑप्शन पे टिक कीजिएगा कि जो कि आपको जहाँ पे मतलब ये वाली जो नोटिफिकेशन है आपको रेगुलरली चाहिए, राइट. ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन यू वॉन्ट, तो ये वाली चीज़ करिएगा, राइट, ऑप्शन में. सो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ आज करने वाले हैं. तो फ्रंट पेज का डिस्कशन होने वाला है. देखिए आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, बिकॉज मतलब ज़्यादा कोई एग्जामिनेशन से रिलेवेंट न्यूज़ नहीं है, मतलब कमी न्यूज़ है आज, ज़्यादा नहीं है. तो नेशनल न्यूज़ देखेंगे हम थोड़ी बहुत, इंटरनेशनल न्यूज़ नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ वो किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की जो सिंगापुर में मीटिंग हुई थी, जिसको हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत और दो तीन चीज़ें बताई गई है. इंटरनेशनल न्यूज़ में एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी कि USA से हम लोग 6 अपाचे हेलीकॉप्टर और लेके आने वाले हैं, तो बस वही वाली चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे. इसके अलावा बिजनेस न्यूज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक दो हैं बिजनेस न्यूज़. साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है आज, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आई थिंक हाँ एक ही न्यूज़ है, जैसे वो फुटबॉल जो है 2018 का वो होने वाला है. अच्छा, बिफोर दैट फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर लास्ट में वीडियो के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका जो भी आंसर देते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग क्या रिवॉर्ड देते हैं, बट जो व्यूअर्स जो मतलब नए व्यूअर्स हैं तो उनको मैं बता दूंगा कि आप लोग को कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जो कि आपको जब मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा एंड में जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको पता लगेगा, राइट. इसके अलावा मैं आपको कुछ मैथ प्रैक्टिस करने को बोलूँगा, वो जेन्युइनली और रिलीजियसली आप उस प्रैक्टिस को कीजिएगा प्लीज़, राइट. सो चलिए फर्स्ट फ्रंट पेज डिस्कशन से शुरुआत करते हैं. तो फ्रेंड्स ये वाली जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन से, जिसका नाम है मालदीव्स. तो फ्रेंड्स हुआ ये है कि मालदीव्स में अब इंडियंस को कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट जो है अब्दुल्ला यामीन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप कभी भी किसी भी कोई भी कंट्री जो न्यूज़ में होती है उसके प्रेसिडेंट को ज़रूर देखिएगा कि कौन उसके प्रेसिडेंट है.
तो वो भी कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए जो अब्दुल्ला यामीन जी जो है प्रेसिडेंट जो है मालदीव्स के, उन्होंने बोल दिया है कि इंडियंस को कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएगी, मतलब इंडियंस को किसी भी सेक्टर में मालदीव्स के अंदर कोई जॉब नहीं मिलेगी, नॉट इवन प्राइवेट सेक्टर। सो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है इंडियंस के लिए जो कि वहाँ पर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं जॉब्स के अंदर और जो कोशिश कर रहे हैं मालदीव जाकर मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करने की। तो ये बहुत ही मतलब उनके लिए बहुत ही डिवास्टिंग सिचुएशन है। रीज़न बिंग उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, उनको उनकी पर्टिकुलर पोस्ट से जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए थे कुछ लोगों के, जिसमें बताया गया था उनके जो एजुकेशन लोन है वो उनको पूरा करना है, तो इसलिए वो काफ़ी परेशान हो गए कि बिकॉज उनका एजुकेशन लोन्स भी अब पूरा नहीं हो पाएगा बिकॉज मालदीव्स ने उनकी जॉब्स को छीन ली है, मतलब उन पर्टिकुलर इंडियंस की, तो इसके कारण वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। राइट, सो इसका जो बैकग्राउंड था फ्रेंड्स वो ये था कि बेसिकली जो वहाँ पर जो इमरजेंसी लगी थी, जैसे हम लोग ने कुछ दिन पहले देखा था, मतलब कुछ दिनों मतलब महीनों पहले, जैसे कि 4-5 मंथ्स बिफोर हम लोग ने देखा था या फिर आसपास उसी के अंडर, तो मालदीव्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। किससे रिलेटेड? इमरजेंसी से रिलेटेड। वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी, तो जब इमरजेंसी इम्पोज करी तो इंडिया जो था वो मतलब उसके अपोजिशन में था, उसके अगेंस्ट में था उसकी इमरजेंसी लगाने के। उसने फिर इंडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया मालदीव्स को, तो इसको ये सब चीज़ें नज़र रखते हुए मालदीव्स ने बोला कि अब इंडियंस को यहाँ पर कोई जॉब नहीं दी जाएगी और हम लोग उन सबको और जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं जो जॉब्स में हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं अब। तो ये काफ़ी डिवास्टिंग सिचुएशन हो गई है इंडियंस के लिए जो कि वहाँ पर जॉब्स में प्लेस्ड हैं और जो कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। राइट, तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी मालदीव से रिलेटेड। और इसके अलावा जो मतलब जो लोग जो थे वो हेल्प मांग रहे थे इंडिया से, जैसे कि ये मतलब एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है मालदीव्स के अंदर, वहाँ से हेल्प मांग रहे थे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हेल्प मांग रहे थे। तो इनका कहना ये था कि जो ये एम्बेसीज हैं उसने बोला था कि आपको कोई अब हेल्प नहीं मिलेगी बिकॉज ये पर्सनल मैटर है मालदीव्स का, तो ये मालदीव्स की खुद का मतलब डोमेस्टिक मैटर है, तो उसमें थोड़ा मतलब इंटरनेशनल अगर आप इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो आप किसी के डोमेस्टिक मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है किसी के भी डोमेस्टिक मैटर में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। ये सब चीज़ें देखते हुए बोला है, बट मतलब कुछ ना कुछ तो बात करेगी गवर्नमेंट की, ऐसा तो नहीं छोड़ेगी वहाँ के इंडियंस को। तो कोई ना कोई आने वाले समय में हम लोग को कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी देखने को मिल सकती है जहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो मालदीव से बात करे शायद। अब देखो क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली कि जैसे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज थी, जैसे मैरियट हो गई, तो ये सब जो कि होटल चेन्स हैं बहुत बड़ी, तो ये मैरियट वगैरह कंपनी जो हो गई हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी एक नोटिफिकेशन, मतलब जॉब अलर्ट्स का नोटिफिकेशन निकलता है ना, तो वहाँ उस नोटिफिकेशन में भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ लिखी है कि इंडियंस नीड नॉट अप्लाई। तो ऐसी जो है मतलब इस टाइप की जो कुछ कुछ मतलब चीज़ें हैं लोगों ने अपने मतलब कंपनी के नोटिफिकेशंस होते हैं उसमें लगा दी है, और उसमें ये सब चीज़ें क्लियरली मेंशन कर लीजिए कर दी है कि इंडियंस यहाँ पे अप्लाई ना करें। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी मालदीव से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो रमज़ान एग्रीमेंट से रिलेटेड है, बट एक्चुअली क्या हुआ था कि बात की गई थी कि बॉर्डर पर पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रखेंगे, मतलब शांति मेंटेन रखेंगे बॉर्डर के अंदर, बट ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान से सहा नहीं गया और पाकिस्तान ने वहाँ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करना शुरू कर दी, और इसी बीच हमारे चार जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे जवान जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखी, एग्रीमेंट को इसने वॉयलेट किया हमेशा की तरह, तो पाकिस्तान ये चीज़ हमेशा करता रहता है। आप लोग को ये न्यूज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे इंडिया में मेजर लेवल पर क्या चीज़ चल रही है, बिकॉज फ्रंट पेज की न्यूज़ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पुट करी है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड था ये जून 4th का एग्रीमेंट या फिर रमज़ान एग्रीमेंट, जिसको आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको मेंस में आंसर राइटिंग में काफ़ी कुछ हेल्प करेगा कि हम लोग इतनी सारी चीज़ करते हैं पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने की नेशंस के बीच में, बट देन टू वहाँ से वॉयलेशंस कंटिन्यूसली हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, और फ्रेंड्स ये वाली न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज से जो है वो 21st फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। कहाँ पर हो रहा है? वो मॉस्को रशिया में। राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि जो 21st फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर हो रहा है? मॉस्को रशिया में। और जो इसकी जो अभी टीम जीतेगी तो हम लोग को पता ही लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजर जो टीम्स हैं वो ब्राज़ील, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस है, जो कि ब्राज़ील 5 टाइम चैंपियन रह चुकी है, जर्मनी 4 टाइम चैंपियन, स्पेन 1 टाइम चैंपियन रह चुकी है, और फ्रांस जो है वो 1 टाइम चैंपियन रह चुकी है। राइट, सो ये जो टीम्स हैं और इस बार क्या कौन चैंपियन बनेगा वो तो हम लोग को पता ही लग जाएगा। तो इस बार ऐसा कोई कछुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी पता लगेगा हमें देखने को, जैसे हर बार हम लोग को कोई कछुआ मिल जाता है तो बताता है ना कि ये टीम जीतेगी वो टीम जीतेगी, तो इस टाइप की कुछ वेग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलती है हर साल। तो देखो आज इस बार भी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राइट,
सो अब नेशनल न्यूज़ पे चलते हैं। फ्रंट पेज की सिर्फ इतनी सी न्यूज़ थी आज, कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो नेशनल न्यूज़ वाली जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज ये बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है, राइट? तो थोड़ी बहुत साइंस और टेक से भी रिलेटेड वाली न्यूज़ है। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान हमेशा की तरह हर एक चीज़ में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई नई नई चीज़ों में ये टॉप कर रहा है, राइट? तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही, तो वहाँ की गवर्नमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है राजस्थान का काफ़ी अच्छा है। जैसे कि जो फर्स्ट रैंकर थे, मतलब आई थिंक 2014 के फर्स्ट रैंकर जो आए थे गौरव अग्रवाल सर, तो वो राजस्थान काडर में ही हैं। तो अब देखिए कि जो नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, अब उससे अंदाजा लगाइए। तो थोड़ी ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि मतलब क्या राजस्थान जो है, ऑब्वियसली कोई भी स्टेट है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा जब ही करेगा जब उसके ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, राइट? तो आई थिंक राजस्थान के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज राजस्थान हर एक चीज़ में एक माइलस्टोन अचीव कर रहा है, राइट? सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो काऊ शेल्टर्स में एक बायोगैस प्लांट क्रिएट किए जाएंगे, जिसके होने के बाद क्या होगा जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या प्लान बन चुका है, अब स्टेट जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है इस चीज़ को। तो इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, उससे फ़ायदा होने वाला है फार्मर्स को, बिकॉज यहाँ पर जो मैन्योर जो होंगे वो काफ़ी सारे बनने वाले हैं। बिकॉज क्या होगा कि काऊ शेल्टर्स के अंदर जब ये बायोगैस प्लांट बन जाएगा, तो बायोगैस प्लांट बनने के बाद जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स बनेंगे, जिसके कारण फार्मर्स जो है उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। और यहाँ से काफ़ी सारे मैन्योर्स आई थिंक दूसरे स्टेट्स में भी ट्रेडिंग की जाएगी काफ़ी सारे मैन्योर्स की, राइट? सो इसमें जो बायोगैस प्लांट है उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए थी, ये मतलब जो 100 क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होगी, और ये 25 गौशालाज में लगने वाला है। और गौशालाज में लगने वाला है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एक गौपालन जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये चीज़ आएगी, ठीक है? तो हम लोग को पता होना चाहिए किसके अंडर में ये चीज़ आएगी। और राजस्थान गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, 50% सब्सिडी दे रही है इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे, ठीक है? तो वो कौन बियर करेगी, वो राजस्थान गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये तीन चार जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दैट वी शुड नो। और उसके अलावा जो ईच बायोगैस प्लांट जो है, मतलब हर एक बायोगैस प्लांट जो है वो क्या करेंगे, एक्चुअली क्या हो रहा है कि 25 मतलब इसमें लग रहा है गौशालाज में लग रहा है, ठीक है? 25 बायो सेंटर्स बायोगैस प्लांट जो है वो बनने वाले हैं, राइट? तो ये साल भर में कितना मैन्योर प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये 1 लाख मैट्रिक टन्स जो मैन्योर एक साल के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक मतलब फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ होने वाली है इन फ्यूचर राजस्थान में, राइट? ना ही सिर्फ राजस्थान के फार्मर्स के लिए, बाकी ये दूसरी जगह पे भी ट्रेड करेंगे, तो इसकी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी क्रिएट करेगी। प्लस इनके जो फार्मर्स हैं और जो गौशाला वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट भी बन जाएंगे, राइट? बिकॉज उनको फिर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मतलब उनकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा मूव है राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यह थी कि ये फर्स्ट इन द कंट्री है जिसने ऐसा किया है, पहली गवर्नमेंट है कंट्री की जिसने ऐसा शुरुआत करी है बायोगैस प्लांट्स की काऊ शेल्टर्स के अंदर, राइट? सो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो न्यूज़ है वो एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। एक्चुअली हम लोग काफ़ी समय से सोच रहे थे एजुकेशन के अंदर कोई रिफॉर्म आए, मतलब एजुकेशन के अंदर कैसा रिफॉर्म कि उसके टीचर्स वगैरह हैं उनके रिक्रूटमेंट और या फिर उनके प्रमोशंस में कोई रिफॉर्म्स आए, बिकॉज बेसिकली उनका जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत ही बेसिक लेवल पर रिक्रूटमेंट कर लेते हैं टीचर्स को, जैसे कि नहीं होना चाहिए। तो UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने कुछ रिफॉर्म्स मतलब बनाए हैं रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए। तो अब देखिए बना तो लिए हैं, वो क्या बनाए हैं वो सब चीज़ें इतनी हम लोग के लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, वो आने वाले समय में हम लोग को न्यूज़ में मिली जाएगी, वरना फिर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग देख लेते, वो क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि जो टीचर्स जो हैं वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करें और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पे, रिसर्च और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो दो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, जिस पे ये चाह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो फोकस करें यूनिवर्सिटी के, राइट? सो ये जो है वो चीज़ है। अब रिसर्च इन द सेंस, रिसर्च में क्या क्या चीज़ आएगी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब इस रिसर्च से ये चीज़ मत समझिएगा कि साइंटिस्ट जो होते हैं जैसे कि वो नई नई रिसर्च करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च का मतलब होता है कि किस हिसाब से मतलब वहाँ पर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवा रहे हैं, राइट? कि कैसे स्कूल के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब किस हिसाब से वो मतलब बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस हिसाब से इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च के अंदर, जिस बेसिस पे इनको ग्रेड्स वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जब ग्रेड्स वगैरह मिलेंगे तो इनको क्या होगा, प्रमोशंस में इनको काफ़ी हेल्प होने वाली है, और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में भी इनको ग्रेड्स वगैरह मिले जाएंगे। तो एक ग्रेडिंग सिस्टम टाइप का मतलब क्रिएट किया जा रहा है टीचर्स वगैरह लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो कि UGC ने उठाया है, राइट? तो मेन चीज़ क्या है इसको डालने की, बेसिकली देखिए क्या है कि UGC के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो क्या है। तो वो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया था इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ने। कब सेटअप किया था, UGC एक्ट 1956 के तहत ये चीज़ जो थी वो सेटअप हो गई थी, राइट? और ये किसके अंडर में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, HRD डेवलपमेंट, तो ये उसके अंदर आ जाती है, तो राइट? तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें जो होती है ना वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि जो UGC है
वो कौन सी बॉडी है तो हम लोग को पता होना चाहिए, स्टैचूटरी बॉडी है वो क्या, किस एक्ट के थ्रू आई है, तो यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू आई है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर है, और इसके पास क्या क्या चीज़ करने के चार्जेस हैं, तो ये बेसिकली क्या करती है, कोऑर्डिनेशन डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए हायर एजुकेशन, तो उसके मेंटेनेंस को मतलब एक उसको मेंटेन करना, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराना, उसको कोऑर्डिनेट करना, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन एक लेके आना, तो ये सब चीज़ों में हेल्प करती है। और इसके अलावा भी जैसे कि यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी है अगर वो यूनिवर्सिटी बनना चाहती है, मतलब जैसे एग्जैक्टली अगर कुछ कोई कुछ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है, इन द सेंस कि यही जो है वो किसी ना पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को यूनिवर्सिटीज़ में बनाने के लिए मतलब अप्रूवल देती है, राइट। तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम होता है। और उसके अलावा जो फंड्स वगैरह होते हैं ये भी डिसबर्स करती है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि फंड्स जो है उसको गवर्नमेंट से मिलते हैं, और गवर्नमेंट से मिलने के बाद किसको कितना फंड प्रोवाइड करना है और ये सब चीज़ें जो प्रोजेक्ट और प्लानिंग जो होती है ये यूजीसी करती है, राइट फ्रेंड्स। तो इसके अलावा जो उसका हेडक्वार्टर है वो जानना हम लोग को जरूरी है, वो है न्यू दिल्ली के अंदर, और 6 रीजनल सेंटर्स हैं इसके जो कि हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर में, राइट। तो दिस इज द लोगो ऑफ यूजीसी, और ये आप एक बार देख लीजिए, ये यूजीसी का लोगो है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, तो ये जो है उसका लोगो है, और ये बेसिकली जो है वो उसकी टैगलाइन है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, तो ये चीज़ भी हम लोग को पता होनी चाहिए, राइट। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी यूजीसी से रिलेटेड। अब एक और न्यूज़ चलते हैं, नेशनल न्यूज़ में ही है ये बेसिकली, बिकॉज हम लोग जो है वो मतलब यूएसए से 6 अपाचेज मंगवा रहे हैं। तो अपाचेज क्या है, A-64 अपाचे जो है वो एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि हम लोग 6 मंगवा रहे हैं, कहाँ से, यूएसए से। तो ये जो यूएसए की जो आर्मी है इसने अप्रूव कर दिए हैं बेचना हम लोग को 6 मतलब 6 और AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इंडिया में, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेट कॉस्ट पड़ेगी 930 मिलियन। तो ये ओवरऑल नेशनल न्यूज़ है, बट ये इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर भी आती है बिकॉज ये एक रिलेशनशिप बता रही है यूएसए के साथ और इनके साथ इंडिया के साथ। और अभी हम लोग ने जैसे कि रिसेंटली भी देखा था कि हम लोग जब वहाँ से रशिया से मतलब एक हम लोग की डील हुई थी, डिफेंस की डील हुई थी रशिया से, तो उससे हम लोग रशिया से जो चीज़ मंगवा रहे थे, जो S-400 जो है उसको हम लोग ने मंगवाया था रशिया से, तो जब वो डील हुई थी तब उस डील में जो यूएसए जो है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था वो वाली डील, तो उसने मना करा है बार बार यूएसए की रशिया से अभी वाली डील मत करो, बट देन टू हम लोग ने ये वाली डील जो है वो साइन तो कर ही ली है, बट अब देखते हैं अब क्या होता है। तो वाला न्यूज़ जो है हम लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, जैसे आप लोग काफ़ी समय से जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि मैं S-400 के बारे में क्या बोलना चाह रहा हूँ या फिर क्या डील है इस बारे की, जिसको हम लोग ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुका है, राइट। सो और जो नए व्यूअर्स हैं वो एक बार प्रीवियस एक बार वीडियोज़ देखना चाहें तो देख लीजिए एक बार, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूज़ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मोस्टली इंटरनेशनल न्यूज़, जो कि यूपीएससी ज़्यादातर इंटरनेशनल न्यूज़ को पिक करता रहता है, इंटरनेशनल न्यूज़ को, स्कीम्स को, इन सब चीज़ों को पिक करता रहता है, राइट, हर साल। तो ये जो एक और जो न्यूज़ देखने को मिल रही है ये नेशनल डैम सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारे यहाँ जो डैम की सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ है वो उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो उस कारण से क्या होता है कि बड़े बड़े डिज़ास्टर जो होते हैं होने की संभावना हो जाती है, राइट। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो यूनियन कैबिनेट है जिसको चेयर किया है, जिसको हेड किया है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है इस प्रपोजल को, जो कि डैम सेफ्टी बिल जो है 2018 जो आने वाला है वो अप्रूव हो गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो अब ये एक्ट कब बनता है ये चीज़ तो हम लोग को देखने को मिलेगी बाद में, बट अभी तो ये जान लीजिए कि डैम सेफ्टी बिल जो है उसको अप्रूवल दे दिया है पार्लियामेंट से, ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो होने वाला है मेंबर्स, जो कि जो डैम सेफ्टी बिल 2018 है ये क्या करेगी, ये इन्वेस्टिगेट करेगी। एक्चुअली क्या होगा कि इसके अंदर एक बेसिकली नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक बनने वाली है, जिस जो क्या करने वाली है, जो इन्वेस्टिगेट करेगी डैम के फेलियर्स को, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण डैम जो है वो मतलब उसके फेलियर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये जो होती है ये सब चीज़ें चेक करेगी और ये स्टेट्स को क्या करेगी, फाइन करेगी अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाएगी। पहले तो पॉलिसीज वगैरह डेवलप करेगी कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें मतलब उसमें हाईलाइट करेंगी, ये चीज़ें होनी चाहिए डैम के अंदर कि मतलब प्रॉपर उसका मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और एक्स वाई जी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो लिखेगी वहाँ पर और उस चीज़ को इंश्योर करेगी कि जो पूरी जो स्टेट्स हैं वो इन सब फैक्टर्स को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर ये जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगी, इंस्पेक्शंस वगैरह होंगे, तो उसके दौरान जब ये देखेंगे अगर इनको पता लगेगा कि डैम्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई चीज़ है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपरली फॉलो अप नहीं किया है या फिर उसको इग्नोर कर दिया उस पर्टिकुलर फैक्टर को, तो ये जो है वो मतलब इसके पास इतनी अथॉरिटी रहेगी, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के पास इतनी अथॉरिटी रहेगी कि ये जो क्या कर सकती है, ये फाइन इंपोज कर सकती है उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर,
राइट और मतलब अभी हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे लीगल और इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर के लैकिंग के कारण जो है वो डैम्स के डिज़ास्टर होने की संभावना हो सकती है, और प्रीवियसली भी काफ़ी सारे डैम्स के डिज़ास्टर हुए हैं जिस कारण से जो फ्लड है वो काफ़ी जगह पे देखने को मिला था हम लोग को. राइट तो ये जो है डैम सेफ्टी बिल जो है वो इंश्योर करेगी कि मतलब पर्टिकुलरली जो डैम्स हैं उनकी सेफ्टी को, और ऊपर से आसपास क्योंकि क्या होता है कि डैम्स के आसपास काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रहते भी हैं, तो उनकी लाइफ की भी सिक्योरिटी जो होती है अगर इनडायरेक्टली बात की जाए तो उनकी लाइफ की भी सिक्योरिटी की बात ये कर रहा है ये पर्टिकुलर बिल, डैम सेफ्टी बिल. बिकॉज अगर जब डैम टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि फ्लड आ जाएगा, और जब फ्लड आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ों को नुकसान होगा, नॉट इवन क्रॉप्स इवन लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. राइट तो उनको भी काफ़ी नुकसान होगा. राइट सो ये सब ये काफ़ी अच्छा बिल है जो कि होने वाला है. और ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, इंडिया हैज़ ओवर 5,200 लार्ज डैम्स, नियरली 450 आर अंडर कंस्ट्रक्शन. तो इंडिया के पास 5,200 जो है वो बड़े डैम्स है हमारे पास. ठीक है तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी डैम्स से रिलेटेड, और ये चीज़ आप दो चीज़ याद रखिएगा, डैम सेफ्टी बिल 2018 और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी. गॉट इट. सो ईयरली न्यूज़ तो हो गई कंप्लीट, नेशनल न्यूज़, अब बिजनेस न्यूज़ में चलते हैं. सो फ्रेंड्स ये एच डी एफ सी बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है. तो एच डी एफ सी बैंक को अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट से कि वो अब 24,000 करोड़ तक का जो कैपिटल है उसको रेज कर सकती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से. तो ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 24,000 करोड़ तक का कैपिटल जो है उसको रेज कर सकती है. तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी जो आज की जो करंट अफेयर डिस्कशन है वो समाप्त हो जाता है. रीज़न आज कम था, मतलब जो न्यूज़ थी वो काफ़ी कम थी, तो काफ़ी अच्छा ही है बेसिकली हम लोग के लिए, जितनी कम न्यूज़ है उतना अच्छा है. रीज़न भी पढ़ना काफ़ी सारा पड़ता है, उसमें डेटा जो है वो काफ़ी सारा हो जाता है. अच्छा डेटा बहुत होने के का एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ. देखिए यानी जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन करके तो इस ग्रुप को आप डाउनलोड मतलब इस पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और वो ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं जो ग्रुप है बिल्कुल फ्री है जिसकी डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है. राइट तो पीडीएफ को डाउनलोड करने का मेरा सेंस ये है कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट के समय मतलब जब भी आपका एग्जामिनेशन आने वाला होगा उसके फ्यू डेज बिफोर यू कैन रिवाइज. मतलब एक्चुअली बस सिर्फ आपको सिर्फ इसके पन्ने पलटने हैं, मतलब स्लाइड जो है उसको चेंज करना है, और आप या फिर स्क्रॉल करते जाना है, और आप जो है आपका रिवीजन पूरा होता जाएगा, पता लगता जाएगा कौन सी न्यूज़ है, बिकॉज हर एक न्यूज़ को हम लोग ने डीपली डिस्कस किया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होती है. सो आज के क्वेश्चन पर चलते हैं. तो आज का पहला क्वेश्चन है वॉट इज़ एल एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फैटिक फिलेरियासिस. ठीक है तो एल एफ क्या होता है. सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स, तो मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है. थर्ड क्वेश्चन इज वॉट इज़ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात करी थी कि एच डी एफ सी को 24,000 करोड़ रुपये का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो कैपिटल है उसको रेज करने का अप्रूवल दे दिया है किसने, यूनियन कैबिनेट ने. ऑलराइट तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस, और जो लोग इस क्वेश्चंस का आंसर देते हैं उनके आंसर्स को हम लोग एज अ रिवॉर्ड जो हम लोग देते हैं कि उनके आंसर जो होता है कि उनके आंसर जो हैं वो हम लोग डिस्प्ले करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. राइट जहाँ पे हमारे 1,000 मेंबर्स हो गए हैं, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर्स कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया और हम लोग को इतनी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने में हेल्प करी है. राइट सो मेंबर्स तो ओवरऑल यही था अभी तक के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए. और पीडीएफ जो है इसकी बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको, उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है गाइस. और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ ऐसा वाला अगर साइन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन बेल में तब आप समझ जाइए कि आप प्रॉपरली आपने नोटिफिकेशन बेल को हिट किया, वरना उसको फिर से हिट कीजिएगा अनटिल एंड अनलेस ऐसा साइन आपको देखने को ना मिले. राइट तो उससे जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी. सो फ्रेंड्स अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय.